नमस्कार दोस्तों, ये सुनना जो है बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है, ये मज़ेदार है जिसको कहते हैं। और ये एक जन सूचना के ज़रिए जो है प्राप्त की गई जानकारियां हैं, और ये मैं चाहता हूँ आप लोग जानें, बहुत मज़ा आएगा। और आप भी बहुत अपने आप को जानेंगे कि क्या क्या संभावनाएं हैं अपने विभाग में। चलिए पहली बात करते हैं। किसी भी सरकारी कर्मचारी का अग्रिम आयकर उसकी सहमति के बिना काटा जा सकता है, ठीक है। ऐसी धनराशि जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष में ना किया गया हो परंतु धनराशि अग्रिम आयकर कटौती कर ली गई हो, यह नियम के विरुद्ध नहीं है, ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। NSC का भुगतान किसी भी जनपद के पोस्ट ऑफिस से हो सकता है, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए मेरे पास NSC पढ़ी कुछ। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत बच्चों के खाने के बर्तन धोने के संबंध में कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, बच्चे ही धोते हैं। नंबर 5, विद्यालय स्तर पर MDM के संचालन में विकल्प के रूप में विद्यालय प्रबंध समितियों को सम्मिलित किया जा सकता है। संचालन सम्मिलित किया जा सकता, वो तो होती है माँ समूह और ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं। परिषदीय शिक्षक भी ले सकते हैं लियन का लाभ। लियन समझते हैं, लियन वो होता है जब कोई आप एक जॉब छोड़ते हैं तो कितने वर्ष का है कि मतलब जब मान लीजिए वो आपकी जॉब दूसरी बाद में ज्वाइन की वो चली जाती तो आप वापस अपनी नौकरी पे आ सकते हैं। दोस्तों देखिए, सुबह सुबह कबाड़ी बेचने वाला आ गया है, सभी लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं दोस्तों। चलिए, सरकारी कर्मी का निलंबन अति गंभीर प्रकरण में ही किया जा सकता है, समझ रहे हैं, कोई मर्डर या फिर बहुत भयंकर हो तब। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय में अनुपस्थित बच्चों के नाम खारिज नहीं किए जा सकते हैं, ये देख लीजिए, चाहे आए चाहे ना आए, उसका नाम नहीं काट, अनुपस्थिति की बात हो रही, कहीं और पढ़ रहा है तो उसको तो काट सकते। खैर, शिक्षा के नियम के अनुसार अधिनियम के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चों पर एक, उच्च प्राथमिक बच्चों पे 35 बच्चों पे एक शिक्षक होना अनिवार्य है, ठीक है। प्रत्येक परिषदीय अध्यापक को वर्ष में एक उपार्जित अवकाश देय है। ग्रीष्मकाल में किए गए कार्य उपार्जित अवकाश नियमानुसार मिलते हैं। नंबर 2, रसोइयों में विद्यालय प्रशिक्षण आवश्यक है। तो ये बात हो गई और काफ़ी चीज़ें मुझे भी जानने को मिली, ठीक है। NSC वाला ये पॉइंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ गया NSC वाला, ये NSC वाला है, ठीक है। और बाकी एक चीज़ और है, ये तो पता ही था खैर कि नाम ना आए तो नाम नहीं काट सकते किसी भी नियम के अनुसार से। और बाकी उपार्जित अवकाश दे है, बाकी चीज़ें तो आप सबको पता ही होंगी, बस ये हो सकता है आपको पता हो, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। तो दोस्तों ये है मेरा वीडियो, छोटा सा वीडियो है। ये देखिए डॉक्टर रहबर हैं, शायद इन्होंने जन सूचना मांगी होगी विभाग से, ठीक है। दोस्तों फिर मिलूँगा एक और, तब तक के लिए नमस्कार।